यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। आज हम दोबारा से खेलते हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आज हमने लास्ट वाला वीडियो में देखा ही हुआ कि गाइस मैंने आपको इस वर्ल्ड की डाउनलोड लिंक दी थी, तो आज वाले एपिसोड में गाइस हम लेने वाले बोनविल फार्म, वो भी कैप्टस से। तो कैप्टस लेने के लिए मुझको जाना पड़ेगा डेजर्ट बायो में, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं डेजर्ट पे हम ढूंढ ही रहा, तभी गाइस यहाँ पे मुझे काफी सारे पम्पकिंस दिखे, तो यार मैंने सब पम्पकिंस को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि गाइस हम आगे चल के बहुत बड़ा पम्पकिन का फार्म बनाने वाले हैं। तो गाइस इस बार यार मुझे एक रिवीन पोर्टल मिलता है, तो यार यहाँ पे दो गोल्ड के ब्लॉक थे, तो मैंने दोनों कलेक्ट कर लिया, और इसकी चेस्ट में यार ठीक ठाक लूट थी, तो जल्दी से सारी लूट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद गाइस डेजर्ट बायोम ढूंढते हैं। तो गाइस काफी देर के बाद यार मुझे डेजर्ट बायोम मिल गई है, और यहाँ से यार जितने हो सकते हैं मैं उतने कैप्टस कलेक्ट करने वाला हूँ। गाइस मैं कैप्टस माइन कर ही रहा था यार, तभी यार मुझे डेजर्ट टेंपल दिख जाता है, तो चलो देखते हैं इसमें मुझे क्या लूट मिलने वाली है। तो गाइस मुझे मस्सी बायोम मिली है यार, टेराकोटा बायोम, मतलब सोने पे सुहागा हो गया। और गाइस मुझे बहुत सारा टेराकोटा चाहिए, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट बिल्ड होने वाला है वो इसी पे बेस्ड होने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में गैस करना है कि क्या होने वाला है हमारा नेक्स्ट बिल्ड। तो चलो यहाँ से जितना हो सकता है उतना टेराकोटा लेके चलते हैं। सो गाइस यहाँ से मैंने काफी सारे रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिया है, तो अब चलते हैं सीधा घर पर, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस मैं बेस पे तो आ चुका हूँ, लेकिन गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा सैंड माइन करने, क्योंकि गाइस जो हमारा ये वाला फार्म होने वाला है ये पूरा का पूरा ग्लास से होने वाला है, तो चलो चलते हैं। फाइनली मैंने काफी मेहनत के बाद सब मटेरियल को कलेक्ट कर लिया है, तो चलो शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले गाइस आप लोगों को कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है, वो अपने ऊपर डिपेंड होके बनाना कि आप इस फार्म को कितना बड़ा कितना छोटा बनाना चाहते हो, तो मैं इसको मीडियम साइज बनाना चाहता हूँ, तो चलो एक्सपेंड करते हैं। ओके तो फाइनली गाइस मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है, तो अभी जो कि यहाँ मुझे चेस्ट लगानी है डबल, गाइस डबल चेस्ट ही लगाना, आप चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो अभी जो कि क्राउच होके मुझे हॉपर्स को चेस्ट से कनेक्ट कर देना है। मुझसे कुछ ज़्यादा ही हॉपर प्लेस हो चुके हैं, तो इनको तोड़ लेते हैं और यहाँ पर डर्ट को दोबारा से प्लेस कर देते हैं। ओके गाइस मैंने इसको डर्ट से फिल कर दिया है, तो गाइस अब बनाएंगे बोनविल सिस्टम, ताकि जो हमारे कैप्टस है वो सीधा हॉपर्स के अंदर है, हॉपर से चेस्ट में जाए, वो कंपोस्टर में होके कंपोस्ट हो जाए बोनविल में। तो चलो यहाँ पे जो क्या है थोड़ा नीचे चलते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस आपको 5 ब्लॉक माइन करना है, तो चलो करते हैं। पहले यहाँ पे एक हॉपर लगाते, ये गलत लग गया, क्राउच होना है, चेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है बस, और चलो दोबारा से चलते हैं नीचे डिप डाउन करके। ओके और आप जो क्या यहाँ पे कंपोस्टर लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाने गाइस, ठीक है, चेस्ट हॉपर से कनेक्ट होने चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ओके तो अब जो क्या क्राउच होते हैं और यहाँ पे जो क्या कंपोस्टर को लगा देते हैं, और उसके नीचे लगा देते हैं हॉपर्स, लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे मुझे चेस्ट लगानी पड़ेगी, और चेस्ट गाइस मैं लेके नहीं आया हूँ, तो चलो चलते हैं चेस्ट लेने। कि गाइज मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है, तो चलो आप जो कि बाकी का काम कंप्लीट करते हैं, और गाइज आप अपने मनपसंद ब्लॉक से भी कर सकते हो। गाइज मैंने तो सोचा कि भाई हम ग्लास से ही करते हैं, ग्लास ठीक लगेगा और थंबनेल भी अच्छा आ जाएगा, तो अपनी मर्जी से इसको जितना एक्सपेंड करना है उतना एक्सपेंड कर लेना। तो मैं तो भाई इसको 19 का करने वाला हूँ, तो फटाफट से मैं इसे करता हूँ। गाइस ये कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन रात हो चुकी है, तो चलो सो जाते हैं। ओके
ओके गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलो अभी बाकी का काम कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो क्या गाइस मुझे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है, तो चलो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं। ओके गाइज मैंने इसका बेस तो बना लिया और गाइज मेरी वाटर बकेट शल्कर बॉक्स में है, तो चलो यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से जो क्या ग्लासेस भी ले लेते हैं क्योंकि मेरे ग्लासेस ख़त्म हो चुके हैं। तो चलो अब जो क्या यहाँ पे एक वाटर बकेट यहाँ पे डाल देते हैं और एक वाटर बकेट यहाँ पे डाल देते हैं और अब जो क्या है इन्हीं से बार बार पानी लेके उसको फिल करते हैं। तो फिल आपको मैं बता दूँ कैसे करना है, आपको गाइज कुछ भी नहीं करना है, सीधा कॉर्नर में जाना है और यहाँ पर जो क्या है हर एक ब्लॉक पर पानी प्लेस कर देना है। तो फटाफट से इसको भी कम्प्लीट करते हैं। ओके गाइज मैंने इसको कंप्लीट तो कर लिया है, अब गाइज हम मेन काम करने वाले हैं, कैप्टस को लगाने वाले हैं। तो चलो यहाँ से सॉलिड ब्लॉक ले लेते हैं और यहाँ से जो कि सैंड भी लेनी है मुझे, तो चलो यहाँ से एक स्टैक सैंड और यहाँ से कैप्टस ले लेते हैं। और गाइज ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड काम होने वाला है, तो आपको जो क्या एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के जो क्या ब्लॉक लगाना है। तो जैसे कि गाइज मैं हर ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक छोड़ के फिर ब्लॉक लगा रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। तो चलो इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। ओके गाइज मैंने स्टोन ब्रिक तो लगा दिया, अब स्टोन ब्रिक के ऊपर मुझे जो कि सैंड प्लेस करनी है और सैंड के ऊपर मुझे कैप्टस प्लेस करना है। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। गाइज ये मैंने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन गाइज मैंने बहुत बड़ी वाली मिस्टेक कर दिया है कि गाइज मैंने पहले फेंसेस नहीं लगाए। अब गाइज मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं अब फेंसेस लगाऊंगा कैप्टस ना हट जाए। तो चलो ट्राई करते हैं एक बार, तो ये सल्कर बॉक्स से निकालते हैं फेंसेस, लेकिन उससे पहले जो कि अपने सामान को जो कि सेटल कर लेते हैं अच्छे से अपने इन्वेंट्री में। तो चलो मैंने अपने सामान को तो सेटल कर लिया है, अब यहाँ से ले लेते हैं भाई एक स्टैक फेंसेस और चलो भाई देखते हैं। यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार कि वरना मुझे फिर से दोबारा इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो चलो अरे भाई गलत भी लग जाता है जब देखो। ओके अरे भाई यार जो सोचा था गाइस वही हो चुका है। तो आप मुझे थोड़ी देर दो, मैं इसको कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैंने पहली लेयर कंप्लीट कर ली है और गाइस ऐसी ही मुझे चार लेयर और बनाने गाइस, वो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलो 1 2 3 फाइनली गाइज हमने अपना बोनविल फार्म बना लिया है और गाइज मैंने सिर्फ 3 लेयर का बनाया, मैंने 5 लेयर का बोला था लेकिन गाइज मेरे जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो गए थे और गाइज मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा था। तो यार सॉरी मैंने इसको 5 लेयर का नहीं बना पाया, लेकिन अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।